फॉर्मूले पे पढ़ाइए, 4 × 8 and 18, ये 8 and 18 का फॉर्मूला कॉम्पिटिशन वालों के लिए, वो भी आईएएस बच्चे क्लास 8th तक, 8 बच्चे क्लास 8th तक 3 × 3 इस पैरामीटर पे पढ़े, 3 घंटे पढ़े जिसमें होमवर्क भी शामिल है, और 3 घंटे उनको सोचने पर मजबूर करिए, उनको कनेक्टिविटी का सिद्धांत बताइए। जैसे उन्होंने कोई टॉपिक तैयार किया डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अपने बच्चे को बोलिए कि यार ऐसा करो, तैयार हो गया ना, एक प्लेन शीट ले लो बेटा, लिखो पूरी कहानी को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं, और अब किताब पढ़ने में, पढ़ना और लिखना बहुत अलग बात है सर, आप बिना कंसंट्रेट हुए पढ़ सकते हैं, पर आप बिना कंसंट्रेट हुए लिख कभी नहीं सकते। लड़कों की लिखने की आदत डालिए सर, बहुत प्रेस मत करिए, एक शेड्यूल बना दीजिए बस कि अच्छा ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार जी, कार्बन एन कंपाउंड तैयार, चैप्टर तैयार, हाँ जी चलो लिख डालो। उनकी लिखावट को चेक कर दीजिए, 3 घंटे पढ़े क्लास 8 तक और 3 घंटे उनसे लिखवाइए सर, 6 महीने में लिखवाइए जरूर सर। जिस ट्यूशन से ट्यूशन पढ़ने आते हैं उनसे बोलिए, ये तो आईएएस का फॉर्मूला है सर, 8 घंटे पढ़ना, 18 घंटा पढ़ाई के माहौल में रहना, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। पहले फेज में जो बच्चे 8th क्लास में है, 8th तक, इनको 2 चीजें सिखाइए, व्हाट एंड व्हाई, बस अगर ये 2 चीजें आप समझा ले गए तो आप समझिए जिंदा कर रहे दिमाग को। रटने मत दीजिए सर, रटने से दिमाग तोते जैसा हो जाता है, उसको बाद में जिंदा करना बहुत मुश्किल है। क्लास 8th तक एनालिसिस पर मत ले जाइए सर, व्हाट एंड व्हाई, एग्जांपल। अब अशोक का धम्म, अशोक का धम्म क्या और क्यों, बस क्या एक धार्मिक नीति, एक धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी जिसका उद्देश्य यूनिटी पैदा करना, बस क्या क्यों, क्योंकि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है। मौर्य साम्राज्य काबुल से कन्याकुमारी, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, समझदार शासक है, आज हिंदू मुसलमान है, तब बौद्ध ब्राह्मण जैन, आज हिंदू मुसलमान ईसाई लड़ रहे हैं, आज तब बौद्ध ब्राह्मण जैन, इनके बीच खटास थी। और परिवार में अगर तनाव होगा तो परिवार विकास नहीं होगा, और राष्ट्र में अगर तनाव होगा तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। यह बात अशोक को समझ में आई कि विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, इंटरनल पीस, तो वह धम्म की नीति लेकर आया, बस इतना समझा दीजिए। टेंथ 11 12th, अब यहां पर आप थोड़ा सा एनालिसिस का पुट भी दे सकते हैं। ये जो मैंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका मैंने नाम रखा था सी क्यूब, इसको स्कूल टाइम में बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। सी क्यूब पहला कनेक्टिविटी जोड़ना सिखाइए सर बच्चों को, आप नहीं पढ़ा रहे ना, आपका जो ट्यूशन लगभग लोगों ने रखा है, लगभग उस टीचर को बोलिए कि मेरे बच्चे को यह सिखाओ कनेक्टिविटी, ये धम्म क्या और क्यों, कनेक्टिविटी, और यह समझदारी का विकास का जो अवसर है वो स्कूल है। कनेक्ट करना सिखाइए, कनेक्ट रखना मत सिखाइए, कि अगर यह धम्म की नीति अशोक ला रहा है, क्लास 8th का चैप्टर है अशोक और उसका धम्म, तो वाई बता दीजिए लड़के को कि साहब ये वाई धम्म क्यों, ये 2 वर्ड अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दीजिए सर। मैं बता रहा हूं कि जब वो 12th क्लास में बाहर निकलेंगे ना सर परसेंटेज भले ही कम हो उनका, लेकिन कुछ महान काम करेंगे सर, परसेंटेज बहुत ही भले ही कम हो सर, लेकिन काम कुछ महान करेंगे सर, क्योंकि जब वो जोड़ना सीख जाएंगे, कनेक्ट करना, कनेक्ट। हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे कि बेटा शक्ति पर ध्यान दो, शक्ति किसी भी कीमत पर। मैंने उनसे एक बार कहा कि शक्ति ना मिले तो, हाँ बोले तो आओ दिखाएं तुम्हें, तो लेकर रिक्शा वाले 3-4 खड़े थे, बोले ऐसे देख रहे हो ये शक्ति विहीन लोग हैं, कभी किसी को इनको नमस्कार करते हुए देखे हो? मैंने कहा नहीं, बोले यही जिनके पास शक्ति नहीं है वो इसी दशा में है। कनेक्टिविटी आप सिखाएंगे तो कनेक्टिविटी से क्या पैदा होगा, कॉन्सेप्ट पैदा होगा। इतने सारे लोग तैयारी करने आते
मैं बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे आते हैं कि सर हमें एक साल में क्वालिफाई करना है, कर लो, क्या बैकग्राउंड है? इंजीनियरिंग है सर। अच्छा, कंपाउंड और मिक्सर में अंदर बताओ। कंपाउंड, कंपाउंड सर वो एलिमेंटों को मिला के बनाया जाता है। बहुत सारे लड़के सर जो कोटा वोटा की कोचिंग करके आए, बेसिक्स ही नहीं पता, क्योंकि इस लेवल पर जो जीवन को दिशा देती है वो है स्कूल की शिक्षा। अगर यहां शिक्षा हो गई, सिर्फ इंग्लिश मीडियम जरूरी नहीं है सर। आज भारत की शिक्षा प्रणाली की जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हालांकि बहुत सारे स्कूल इस पर काम कर रहे हैं सर, बड़े अच्छे अच्छे स्कूल भी भारत में है, ऐसा नहीं है सर, लेकिन जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वो बड़े महंगे हैं सर। भारत की शिक्षा प्रणाली को रटने के सिद्धांत को छोड़कर समझने के सिद्धांत पर आना पड़ेगा। यह पहला परिवर्तन भारत की शिक्षा प्रणाली को करना पड़ेगा सर, करना ही पड़ेगा।